भाई ये मेरे बड़े भाई वो गरीब उनको कॉल कीजिएगा वो आपके। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड होप आप सभी ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे। तो आज का व्लॉग मैं घर से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि आज ईद का मौका है। पहले अब सभी लोगों को ईद मुबारक। तो यहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी के कुछ कारकुन भी हैं जो यहाँ पे मौजूद है एंड सभी को सर्व कर रहे हैं, यहाँ पे जूस सर्व कर रहे हैं। तो बिलाल भाई भी यहाँ पे मौजूद है। बिलाल भाई, क्या कहना चाहोगे आप? जी, अल्लाह से दुआ करना चाहते हैं, जो हमारी ईद है ये खुशी से मनाए सब लोग। और मेरी एक ही गुजारिश, जो भी कुर्बान करेगा, जो उनकी खाल है, हमारी टाउन वाली गाड़ी आ रही है और उनका नंबर दिया हुआ, मेहरबानी करके रास्ते पे मत फेंकिए। और हमारी गाड़ी हर वार्ड में जाएगी, घर घर जाएगी, डोर टू डोर जाएगी, हमारे मुलाजिम सब लोग जाए। मेहरबानी करके वो जितने भी खाल जमा हो जाएगा उनको कॉल कीजिएगा, वो आपके घर पहुँचेगा और उन्हीं में डालिएगा। मेहरबानी करके रास्ते पे नहीं डालिएगा। और सबके लिए यहाँ पानी रखी हुई है, आके यहाँ पानी पी लीजिए और हमको दुआ में याद रख लीजिएगा। और ईद के मौके पे आप क्या कहना चाहोगे लोगों? ईद के कहने पे चाहूँगा मैं सबको, मेरी तरफ से ईद मुबारक कीजिएगा, दुआ में याद रख लीजिएगा और सबके लिए दुआ कीजिएगा। आज तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा भीड़ आ रही है ईदगाह की तरफ, क्योंकि ईद की नमाज़ पे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। तो लोगों का रश आप देख ही सकते हो, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है आज तो, एंड बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है आज ईद नमाज़ पढ़ने में। तो आप देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो आज बहुत टाइम के बाद हम ईदगाह में नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, तो आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्लॉग भी बनने वाला है क्योंकि ईद नमाज़ होने वाली है आज हमारे ईदगाह में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं ईदगाह के अंदर। तो कुछ लोगों से वहाँ पे बात भी करते हैं जो कि ज़ीशोर लोग हैं यहाँ के, उनसे बात करते हैं। तो पहले ईदगाह के अंदर चलते हैं। बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल होता है इस दिन, बहुत ही ज़्यादा हम एक दूसरे के साथ अच्छे से मिलजुलते हैं आज इस पाक दिन पर, तो आप देख ही सकते हो। तो चलिए चलते हैं ईदगाह की तरफ। पहले फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़ गए मेरे अंकल जो कि मेरे नेबर भी हैं, ये आपको कुछ बोलना चाहते हैं ईद के बारे में, तो कुछ आप बताइए ईद के बारे में। तो कैसे ईद जो है ये खुशी का अवसर है, खुशी का मौका है और हमें ईद बड़ी खुशी के साथ मनानी चाहिए। ईद जो है वो साल में दो बार आती है, हमें उसके लिए जो चंदा जमा कर रहे हैं उनको पूरा कंट्रीब्यूट करना है, क्योंकि ईद जो है ये खुशी का दिन है। अपने पैसे आपके पास जो ज़्यादा हों वो गरीबों को बांटो, मिस्कीनों को बांटो। ईदगाह आप आ रहे हैं वहाँ उसके लिए चंदा जमा किया जा रहा है और आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जितना आपसे हो सके उतना आप उसमें कंट्रीब्यूट कीजिए। वो आपके लिए यहाँ ही नहीं, बाकी जो आने वाली ज़िंदगी जो है हियर आफ्टर, वो वहाँ आपको उसका अच्छा फल अच्छा मुआवजा मिलेगा। एंड व्हाट विल बी द मैसेज फॉर द पीपल ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन? उनको गरीबों को मिस्कीनों गरीबों की मदद करनी चाहिए और गरीबों को तलाश करना चाहिए। कोई ऐसा होता है कि वो सामने नहीं आता है लेकिन उसकी आँखें इशारा करती हैं कि उसको मदद किया जाए, वहाँ उसके सामने आना चाहिए, उसको मदद करना चाहिए। यही ईद का पैगाम है, ये अल्लाह का पैगाम है, ये कुरान में लिखा है, हदीसों में लिखा है। जब हम गरीब को मांग कर देते हैं, देख गरीब के भाई ये मेरे बड़े भाई सपोर्ट करने से चलने जो सपोर्ट करने से वाली असल कंटेंट बनाओ, तो इसलिए यंगस्टर तो यमन पर जैसे अप्रिशिएट करूँ वाली असल नफर वाली असल इंसान और इंशाल्लाह उन सपोर्ट की जरूरत सपोर्ट जो करूँ। बाकी अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह भाई आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कितना ज़्यादा क्राउड है आज ईदगाह में एंड कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है हर एक साइड। तो आप देख ही सकते हो लोग कितने जमा हैं यहाँ पे। तो बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल है आज, बहुत ही मज़ा भी आ रहा है मुझे आज व्लॉग बनाने में यहाँ पे, क्योंकि बहुत टाइम के बाद हमारी ईदगाह में नमाज़ हो रही है। तो बहुत ही ज़्यादा मुझे एक्साइटिंग फील होता है।
लोगों का क्राउड देख लीजिए कितने आ रहे हैं यहाँ पे नमाज़ अदा करने के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा मुझे मज़ा आ रहा है। तो फ्रेंड्स फाइनली हमने ईद उल अज़हा की नमाज़ अदा कर ली, तो अब हम ब्लॉग को एंड करने वाले हैं क्यों, बट लास्ट में बिलाल भाई ने बोला था कि जब ब्लॉग एंड करोगे तो मुझे ज़रूर बोलना, तो अब हम सीधे चलते हैं पहले बिलाल भाई के पास, उसके बाद हम ब्लॉग को एंड करते हैं। यार अभी हम नमाज पढ़ के निकले, अब हमको घर में ईदी देना है, ईदी देना है घर में सबको, और हमें आपके वार्ड में भी जाना है, जो जो हम मुझे मांगेगा ईदी हम अपने वार्ड में भी ईदी देंगे, अभी हम रेडी हैं, ईद का से हम निकल रहे हैं। चलो बहुत ही अच्छी बात है, الخير بيت المال خدا من دروش آباد من این سی ویڈیو تو فرینڈز آج کے ولاگ میں بس اتنا ہی تھا تو ملتے ہیں آپ کو اگلے ولاگ میں ٹل دین خدا حافظ لیکن پلیز میری چینل کو سبسکرائب کرنا اینڈ پیج کو فالو کرنا